रमजान करीम, 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 रमजान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन इकराम, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम इस्तक़बाल माह रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। आज माह रमज़ान मुबारक की दो बड़ी अहम खुसूसियात पर हम गुफ्तगू करेंगे। चुनाचे अल्लाह सुबहानहु ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सबसे बड़ी खुसूसियत इस माह मुकर्रम की ये है कि कुरान बयान करता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान वो मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह सुबहानहु ताला ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। अब यहाँ एक बात बड़ी ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि अक्सर व बेशतर लोग इस माह मुकर्रम का जब नाम लेते हैं गोया कुरान पाक तो इसका नाम रमज़ान कहता है, लेकिन बकसरत इस्तेमाल लोग इसमें कोताही करते हैं कि रमज़ान रमज़ान कहने लगते हैं। मैं उन सभी से अदबन गुजारिश करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि वो अपनी इस्लाह कर लें, यह रमज़ान नहीं है बल्कि रमज़ान है। जब कभी आप किसी से गुफ्तगू करें, अगर आगे वाला इसको सही अदा नहीं कर रहा है तो आप उसकी भी इस्लाह करें, अल्लाह सुबहानहु ताला इसका भी अजर आपको अता फरमाएगा। आप एक मरतबा कुरान पाक का मुताला करें और इस आयत करीमा को बारहा तिलावत करें, आप इस तलफ़ुज़ को बखूबी अदा करेंगे। कुरान बयान करता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, तो माह मुकर्रम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह सुबहान व तआला ने इस माह मुकद्दस में कुरान पाक जैसी किताब नाजिल फरमाई। आगे इरशाद होता है हुदल लिन्नास, इस हाल में कि वो लोगों के लिए हिदायत है, वबय्यिनात मिनल हुदा वल फुरक़ान, और इसमें हक व बातिल में तमीज़ करने वाली चीज़ें हैं। फमन शहिदा मिनकुम अश्शहर फलयसुम, बस तुम में से जब कोई इस माह को पा ले इसके रोज़े रख लिया करें। चुनाचे इस आयत मुबारका का अगर हम बखूबी तर्जुमा देखें, समझने की कोशिश करें, तो अल्लाह सुबहानहु ताला ने इस माह मुकद्दस में कुरान पाक को नाजिल फरमाया, फिर कहा कि इसमें लोगों के लिए हिदायत मैंने रखी है। जब हमने हिदायत पा ली इस माह मुकद्दस के बरकत से, हमने कुरान पाक को पा लिया और क़ुरान पाक की बरकत से हमने हक़ और बातिल के दरमियान तमीज़ करना हमने सीख लिया, और आगे इरशाद फरमाता है फमन शहीदा मिनकुम अश्शहर फलयसुम, जब तुम में से कोई इस महीने को पा ले यानी रमज़ान मुबारक को पा ले तो इसके रोज़े रख लिया करें। आज हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जिसको अल्लाह सुबहान व तआला ने फिर से ये माह मुकर्रम अता किया, वरना हम में से कई ऐसे लोग हैं जो कि इस साल मौजूद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह सुबहानहु ताला ने हमें वो मौका इनायत फरमाया, तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और दिन रात उसकी तस्बीह और उसकी बड़ाई बयान करनी चाहिए। इस माह मुकद्दस की एक और अजमत ये है कि अल्लाह सुबहानहु ताला ने इस माह मुकर्रम में एक ऐसी रात रखी है जो कि हज़ारहा रातों से मुकद्दस है, जैसा कि कुरान पाक इरशाद फरमाता है कि लैलतुल क़द्र खैरु मिन अल्फी शहर। इंशाअल्लाह हम इस आज़मत को आगे तफसीली बयान करेंगे। अब इस माह मुकद्दस के ताल्लुक से और कई अहादीस शरीफा हमको मिलते हैं, जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पर इरशाद फरमाया कि लोगों को अगर पता चल जाए कि ये माह मुकद्दस क्या है, माह मुकर्रम क्या है, तो मेरी उम्मत यही तमन्ना करेगी कि साल भर माह रमज़ान ही रहे। एक और जगह इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान तमाम तर महीनों का सरदार है। अहादीस शरीफा में आता है कि हर शय के लिए ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। एक और मुकाम पर
हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार का सोना इबादत और उसकी खामोशी तस्बीह और उसकी दुआ मुस्तजाब है। एक और मुकाम पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई बिला उज़्र शरई रोज़ा छोड़ता है यानी रोज़ा तर्क करता है उसके बाद वो उम्र भर रोज़ा रख ले लेकिन उसको उतना सवाब नहीं मिलता जितना कि अल्लाह सुबहानहु ताला ने इस माह मुकद्दस में एक रोज़े का सवाब रखता है। एक और मुकाम पर हमें मिलता है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन अपने छोटे छोटे नौनिहालों को भी रोज़ा रखाया करते थे यहाँ तक कि वो भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं करते लेकिन उसके बावजूद उन्हें वो रोज़े का आदी बनाते थे। आज हम अपने आप को देख लें कि हमारे कई ऐसे नौजवान हैं जो बिल्कुल इन बातों से गाफिल हैं। वो सब कुछ जानते हुए भी कहते हैं कि हम सकत नहीं रख सकते, हम इस्तेआत नहीं रख सकते, हम कुव्वत नहीं रखते कि हम रोज़ा रखें, हमारा बड़ा मुश्किल वाला कष्ट वाला काम होता है। आप ये सारी बातों को छोड़ें और हुज़ूर पाक साहब अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका को देखें। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन की हयात मुबारका को देखें और उनके अमल को देखें, हमारे असलाफ को देखें कि किस तरह से वो लोग एहतमाम करते थे माह रमज़ान मुबारक का, उसी तरह माह रमज़ान मुबारक का एहतमाम करने की कोशिशें करते रहें। एक वाक़या आप हजरात की नज़र करता चलो, चुनाचे हदीस शरीफा में आता है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के हुजूर एक शख्स को लाया गया और बतलाया गया कि ये वो शख्स है जो माह रमज़ान मुबारक में नशा किया। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उस शख्स पर हद जारी फरमाई यानी सज़ा उस पर मुकर्रर फरमाई। अब देखें कि उस ज़माने में नशा यानी शराब हुआ करती थी लेकिन आज फी ज़माना नशे की कई किस्में हैं, कई शाखें उसकी फूट गई हैं, कहीं कुछ नाम से उसे जाना जाता है, कहीं कुछ नाम से जाना जाता है लेकिन नशा नशा ही है। अगर आज के हमारे नौजवान उस नशे के आदि होने के बिना पर अगर रोज़ा तर्क करते हैं तो वो भी सज़ा के मुस्तहिक हैं। आज हमारे दरमियान ना वो खिलाफती दौर है और ना ही इस्लामी हुकूमत है, उसके बावजूद हमारे नौजवान ये सारे अमल करते हैं। सोचें कि अगर यही अमल वो उस दौर में रहकर करते तो वो सारे के सारे सज़ा के मुस्तहिक कहलाते। खुदारा अल्लाह सुबहान व तआला से डरें, उसके कहर से डरें, उसके अज़ाब से डरें क्योंकि इन सारी चीज़ों को शरीयत मना करती है। तो अब हम चलते हैं रोज़े की तरफ। रोज़ा असल में रोज़े की तारीफ़ आप बगौर समात करें कि रोज़ा कहते किसे हैं। तुलुए सादिर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक बनीयत इबादत खाने पीने और जिमा से बाज रहने को रोज़ा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं रोज़ों की अकसाम की तरफ। रोज़े की कुल आठ किस्में बतलाई गई। नंबर एक फ़र्ज मुअय्यन, नंबर दो फ़र्ज गैर मुअय्यन, नंबर तीन वाजिब मुअय्यन, नंबर चार वाजिब गैर मुअय्यन, नंबर पाँच सुन्नत, नंबर छः नफल, नंबर सात मकरूह तंजीही, नंबर आठ मकरूह तहरीमी। अब आगे हम इंशाअल्लाह हर किस्म की तारीफ आपको तफसीली बयान करेंगे। आज के लिए एक अहम मसला आप लोगों के गोशगुजार करूंगा, चूंकि हमने अक्सर बेशतर देखा है कि लोग सहर करते हैं। हदीस शरीफा में आता है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहर में बरकत रखी है, चुनाचे आप सहर करें, जितना हो सके आप खुलकर सहर करें। लेकिन एक बात बहुत याद रखें कि सहर का आखिरी वक्त जो होता है वो फजर के इब्तदाई वक्त से बिल्कुल 10 मिनट पहले अपने तमाम तर कारकर्दगी को ख़त्म कर ले, क्योंकि हमने लोगों को देखा है कि अज़ां अभी तक नहीं हुई, अज़ां के होने तक इसका वक्त होता है, अज़ां अभी शुरू नहीं हुई, अज़ां होती रहती है, यहाँ लोग पानी पीते हैं, अज़ां होती रहती है लोग वो तंबाकू नोशी करने लगते हैं, अज़ां होती रहती है लोग दौड़ते चले जाते हैं कि टाइम हो चुका है पानी। टाइम उस वक्त ख़त्म नहीं होता बल्कि अज़ान से कबल 10-15 मिनट कबल आप अपनी तमाम तर सहरी को ख़त्म करें और आखिरी कारकर्दगी पूरी मुकम्मल करें। आज फिर हम आपको दोबारा आगाह करते हैं कि जो
माहौल इस वक्त दुनिया में यानी लॉकडाउन जो चल रहा है, आप इससे बिल्कुल ना घबराएं और कोविड-19 जो बड़ी तेजी से हमारे दरमियान फैल रही है, आप इससे भी बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि अल्लाह सुबहान तआला की रहमतें हमारे साथ हैं। यकीनन हम उससे उम्मीद रखते हैं कि उसकी रहमतें हम पर हर आन रहेगी, लेकिन बएहतियाती तौर पर हम इस लॉकडाउन को फॉलो करें। हुकूमत ने जो कुछ लवाजिमत हम पर रखे हैं कि घरों से बिला वजह ना निकले, हम इसके इस पर अमल करें, इसके पाबंद हो जाएं। और अगर आपके कई सवाल हो जो रमज़ान मुबारक के ताल्लुक से रखते हों, तो आप इस दिए गए नंबर पर अपना वॉइस मेल भेज सकते हैं या फिर चैट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए और हमारे लिए भी बेहतरी होगी कि सवाल के पढ़ने और समझने में, ना कि कॉल करें। وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.